मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में करप्शन को लेकर विपक्ष कई बार भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न देने पर सवाल उठा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करप्शन के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के मुताबिक एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने बीते 15 मार्च से अब तक 75 प्रकरणों में 119 दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है और अन्य मामलों की भी अगर बात की जाए तो जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर तत्परता से एक्शन लिया जाए। आपको ये भी बता दें कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और उन मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। अगले 15 जून तक ये काम पूरा किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अफसरों के साथ अभियोजन की स्वीकृति के केसों की विभागवार समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खुद 15 जून के बाद विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेंगे। वहीं यदि विभाग किसी भी प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है या देरी करता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीएम के साथ इस बैठक में अफसरों ने जानकारी ये भी दी है और ये कहा है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सबसे ज्यादा 23 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजस्व में 12, नगरीय विकास एवं आवास में 9, स्वास्थ्य में 8, गृह और कृषि विभाग में 6 और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 4 प्रकरणों में मंजूरी दी गई है।